Your name? Kim. Kim. Anil Kapoor. Yeah, Anil Kapoor? Hey. He's from Calcutta. गुड मॉर्निंग साथियों, बंसी विष्णु एक बार फिर से नैरोबी केन्या से आपका स्वागत है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और यहाँ पे नितेश भाई आ रहे हैं जो यहाँ नैरोबी में रहते हैं और हमारे सब्सक्राइबर थे और उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो अभी हम मिलते हैं नितेश भाई से और आगे कहाँ जाते हैं वो भी मुझे आइडिया नहीं है। नितेश भाई कहाँ ले जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। तो फिलहाल 2 दिन में इसी होटल में रुका था और $8 दे रहा था, करीबन 700 रुपये के आसपास। लेकिन ठीक थी यार, हॉस्टल या नहीं है, होटल है। तो इस होटल का नाम है सिसलिंग, नीचे रेस्टोरेंट भी है क्योंकि रात को बाहर जाना सेफ नहीं है। तो ये बेहतरीन जगह है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अंदर टीवी, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। सो लेट्स गो, मिलते हैं नितेश भाई से। पहले तो मैंने भी देखा नहीं उनको कभी, फिर आगे की कहानी आगे शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, फेसबुक वाले भाई शेयर वेयर करते रहिए, कॉमेंट करो यार, आपके ऊपर ही सब दारोमदार है। ये ऐसे घुमावदार सीढ़ियों वाली जगह है और नीचे सब प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, तो शाम को 7 बजे के आसपास सब लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा शांति है। मैंने दूसरी होटलों का रिव्यू पढ़ा था, वहाँ नीचे पब और बार है तो वो पूरी रात धमा चौकड़ी मचा रखते हैं, सोने भी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे पूरा पीसफुल है और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहते हैं। लेकिन इस गलियार से बाहर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, ये रेस्टोरेंट है। देखो नितेश भाई केम छो? बराबर छे। नैरोबीमां नितेश भाई मिली गया अने दीपक भाई। दीपक भाई तो अभी हम आए हैं स्काई मॉल, एक जगह है नैरोबी में और यहाँ पे मिलता है पान। तो अपने गुजराती दुकान है वहाँ पे चलते हैं। क्या खुशबू आ रही है भाई, खुशबू तो कमाल है। गुगल टीवी में और यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट से लेकर के मंदिर मॉल सारे के सारे इंडियन है। यहाँ पे श्री वल्लभ धाम मंदिर है। लालू सोमो वेचे रो। समोसा भी है, समोसा चे समोसा चे ताजा बना है पुराना रे? नहीं खबर पड़ी, फ्रेश है ना? તમારું નામ શું છે? હરેશભાઈ. એલેક્સ. એલેક્સ પણ હવે હરેશભાઈ કર દો. હરેશભાઈ હા ઈ કર દે હે ને. બીજું શાંતિ, તબિયત પાણી? બધું બધું શાંતિ. ઓકે. દેખો ભાઈ ગુજરાતી લોકોએ શું શું નહીં કરે, ગુજરાતી ભાષા શીખા દી હૈ ભાઈ આફ્રિકન કો, તંજાનિયા મેં, યુગાન્ડા મેં, केन्या में, सबको, काफी लोगों को गुजराती आती है। इधर देखो ये सारी दुकान है नितेश भाई, इंडियन इंडियन की सब, और सभी प्रकार के बिजनेस करते हैं, सभी सभी सलून का है, फोन का है, सब का है, मेडिकल सब है। नैरोबी में कितने इंडियन लोग होंगे आबादी? इंडियन की 60-70,000 आबादी होगी मैक्सिमम नैरोबी में रहते हैं। ये देखो सरदार जी, उधर से जो लोग आ रहे हैं वो भी इंडियन। नैरोबी में बहुत सारे और ज़्यादातर गुजराती है भाई, और राजस्थानी की भी दुकान है, तो चलते हैं उधर भी आपको मिलवाते हैं कपड़ा वगैरह सब कुछ। अच्छा मूर्तियाँ भी मिली जाए। देखो भाई भगवान की मूर्ति, हनुमान जी, शंकर, महादेव, गणपति, सारे के सारे दुकानें भी यहाँ पे है। पूजा पाठ का सामान भी मिल जाता है इधर, सारी चीज़ मिल जाती है, सब चीज़ मिल जाती है। इंडिया जाने की जरूरत नहीं पड़ती शॉपिंग के लिए, शादी करना है इधर सब मिल जाता है। शादी भी लोग आपस में इधर करते हैं? हाँ इधर करते, इधर इधर लोकल कम्युनिटी में नहीं करते, अपने कम्युनिटी में करते हैं, वही सब सामान इधर से मिलता है। वेडिंग वेडिंग का भी सब मिल जाता है यहाँ पे। प्राइस थोड़ा महंगा होगा? हाँ थोड़ा प्राइस महंगा है, मगर उसी हिसाब से कमाते भी है ना, तो फिर खर्च में इतना दिक्कत नहीं होता, डरते नहीं। इधर तो भाई पूरी सजी धजी मार्केट है, सामान इंडिया से आया हुआ है, सारा सारा इंपोर्ट करते हैं, सारा इंपोर्ट करते हैं, बोट भी इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ है, ये भी ला दिया देखो मटकी वगैरह। और एक बात कि जैसा नितेश भाई ने बताया कि यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है सारे वेजिटेरियन है, चूड़ियाँ, सलवार, कुर्ता, साड़ी जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है ना, सब मिल जाता है, बना के देते हैं। टेलर भी अपने इधर ला दिए, सामने वाले वो अपने टेलर है।
कुछ बनाते हुए। अच्छा देखो भाई, ये सब शादी के लिए सामान ही कैसे मिलता है, तो इनके जाने की जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बराबर है, तो फिर शादी वादी करते हैं तो अपने मंदिर परिसर में या कहीं पार्टी प्लॉट वगैरह? हाँ हाँ, पार्टी प्लॉट में करते, ज़्यादातर अपने कम्युनिटी का हॉल होता है उसमें करते हैं। और ये देखो टीटीडीसी की ऑफिस भी है, अगर आप वहाँ से कुरियर करते हो तो आ जाता है ना? आ जाता है। और कितना महंगा पड़ता होगा अगर छोटा कुरियर महंगे तो भेजेगा? किलो के हिसाब से आता है, पर केजी इंडिया का 650 रुपीस में आता है। 650? 650 तो सस्ता ही है यार। पूरा कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है, पूरा मॉल है, बहुत बड़ा विशाल का मॉल है, वो मॉल ही पूरा इंडियन का भाई। देख लो ये दुकान, देख के कहीं आपको लगता नहीं कि इंडिया से बाहर है, सारा ए टू जेड इंडियन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। देख लीजिए, बिस्किट से लेके पार्ले जी, क्रेक जैक, इधर मावा बहुत चलता है, और मावा भी खाते हैं, पूरा सामान कट्टे भर भर के। ये भी इंडिया से? जी, सब इंडिया से। देखो कुरकुरे ममरे जो भी खाना वो भी मिल जाएगा, यहाँ तक की मैगी मिलती है, सब मैगी। ये देखो ऑयल, बिस्किट, क्रेक जैक, ठंडा पाउच, सब कुछ प्रोडक्ट की पहचान। देख लो भाई, ये ठंडे की बोतल थम्स अप की इंडिया से आई है, छोटी बोतल है, लेकिन यहाँ पे ये लगा हुआ है कि ये वेज है। और ये मैगी भी देख लो, यहाँ पे भी मैगी बनती है लेकिन उस पर नहीं होता है, ये भी इंडिया से है, ये भी इंडिया से आया है। लिमका, कोका कोला, ये सब कोका कोला, ये सब इंडिया से है ना, ये भी सब इंडिया से आते हैं। जो भी इंडिया से प्रोडक्ट आता है उस पर देखो, ये वेजिटेरियन वाला सिंबल लगा, ग्रीन वाला। पार्ले जी है, पार्ले जी भी है। अबे नानो पार्ले जी आवे हमार के आज आवे आवे छे नानो आ अकेला नो हेलो 150 150 सीलिंग 150 सीलिंग इंडियन 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपये का पार्ले जी भाई, अपने यहाँ मिल जाएगा करीबन 10-20-30 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 वाले की साइज़ के हिसाब से गिना तो 30 में आसपास मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 है तो 3 गुना ज़्यादा भाव में आपको इंडियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके सामने लोग कमाते भी है ना, उस हिसाब से भाव होता है। और यहाँ पे लाने के 1 किलो का 600 रुपये कुरियर में चार्ज देते हैं, तो इम्पोर्ट में भी चार्ज लगता होगा, इसलिए भाव भाव ज़्यादा है। और ये है चूरन, पेट कब्जी वगैरह होती हो तो वो भी मिलता है। पची पान क्या थी लाओ, पान इंडिया थी आवे भाई, पान पत्ता भी इंडिया से आता, तो कितना दिन में आ जाता है, मतलब हाथों आती जब आपको चाहिए? 2 दिन में आ जाएगा वो, कोल्ड स्टोरेज में कुछ लाते होंगे फिर तो खराब हो। और यहाँ पे अपने भाई साहब अजमेर से, जिनकी ये दुकान है, आईकॉन वगैरह रखते हैं और सारा एक्सेसरीज। और भाई साहब का नाम है कमल भाई, आप अजमेर से ये प्रॉपर? जी सर। अरे सेठ जी, क्या पहुँचे आपड़े? अपने सिटी मार्केट आए छे, जहाँ सिटी मार्केट आए हम, जहाँ पर सब्जी सब मिलती है। अपने इंडियन सब लोग इधर ज्यादातर खरीदने के लिए आते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। और ये देखो भाई, अपना हाथ में छे ना, એટલે તો ના 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 વિડિયો નો વાંધો નથી, વિડિયો વાંધો નથી। ઓહો, આ તો મારા લાયક જ કામ છે। લો ભાઈ, આજ સબ પતા ચલ જાયેગા, હર બાર દિખાતે હૈ તો આજ કેન્યા કે ભી વેજિટેબલ માર્કેટ દિખાતે હૈ, વૈસી બડી માર્કેટ હૈ। यहाँ सब्जी सब्जी कैसे मिलती है? सब्जी किलो के हिसाब से मिलती है। नहीं नहीं, भाव भाव में इंडिया के भाव से? नहीं, इंडिया से कंपेयर में एक्सपेंसिव है, महंगा महंगा है। सीताफल भी मिलता है इधर। सीताफल, हाउ आर यू? देखो भाई, सेब और बहुत सारी वेराइटीज और बहुत सारे अलग अलग किस्म के फ्रूट यहाँ पे मिल जाते हैं। जे फ्रूट अफ्रीका में बहुत खाया जाता है डायबिटीज के लिए। हाँ, ये मैंने देखा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए ज्यादा अच्छा लगा होता है। तो ये मीठा नहीं होगा? नहीं, मीठा होता है मगर उतना नहीं, मगर डायबिटीज वाले उसके लिए अच्छा है। देखो भाई, देखने में भी काफी डरावना लग रहा है लेकिन ये डायबिटीज वालों के लिए काफी फायदेमंद है। वाइल्ड फ्रूट ये किलो पे आता है? ये भी पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से मिलता है? ये पीस के हिसाब से? ये पीस के हिसाब से मिलता है। ओके ओके, ये टेटी है? हाँ, तरबूज। तरबूज ले जाओ, स्वीट मेलन, एवोकाडो। तो इस फ्रूट में भी कुछ प्रोडक्ट इंडिया से आते हैं? नहीं, प्रोडक्ट्स इंडिया से कुछ नहीं आता है, ये सब इंडिया में, ये सब लोकली बनता है। साउथ अफ्रीका और थोड़ा लोकल।
ये एप्पल है, टेंजरीन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आता है, साउथ अफ्रीका। केन्या में कुछ प्रोडक्ट ये लोकल है, ये केन्या का प्रोडक्ट है, ये मैंगो केन्या का, पपाया है, रिकॉर्डी बराबर, ये इसका वेंडर है बराबर, ये इनके मालिक ही है, ये पैशन फ्रूट है, ये क्या है, पैशन फ्रूट है, ये पैशन फ्रूट क्या होता है, कुछ सुगंध तो नहीं आ रही है, नहीं जे इसमें जूस बनता है, अच्छा जूस, हाँ पैशन जूस, पैशन भाई, इंडिया में मालूम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मगर नहीं नहीं मिलता होगा यार, मिलता है, पता नहीं, और यूरोप बहुत एक्सपोर्ट होता है ये, ये ट्री टमाटो है, और ये जैक फ्रूट भी खाते हैं, ये क्या है, ये ट्री टमाटो, ये मैंने खाया था यार, पर मेरे को थोड़ा अलग टाइप से लगा था, वो अपने वहाँ कातर मिलते हैं ना, नहीं पका हुआ तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये, इसका जूस भी थोड़ा कच्चा, इसका जूस बनाते हैं, इससे भी, हाँ इससे भी जूस भी बनता है, अच्छा जैक फ्रूट, ये जैक फ्रूट वो कंपाला से आता है, ये प्याज कहाँ पे होते हैं, प्याज लोकल होता है केन्या में, केन्या में भी इधर का, ये इसका फ्रूट बोलते हैं ना कीवी फ्रूट, कीवी इधर का क्या है राष्ट्रीय फ्रूट बोलता है, अच्छा ये नेशनल फ्रूट है, अच्छा मीना बिगे सेम हुए तो इधर पैदा ही होता होगा इसका मतलब, ये ड्रैगन फ्रूट भी इधर होता है, प्रसंगा पी किलो 600 सीलिंग किलो मोज है, 600 सीलिंग सिर्फ एक पीस का, एक किलो, एक किलो 400 रुपये हो गया इंडिया का, प्याज सुबह प्याज किटुंगू नहीं बैगनी किटुंगू 80 सीलिंग मतलब 70 रुपया 65 रुपये के आसपास किलो है भाई प्याज, और मैंगो काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, मैंगो बहुत होता है इधर, मैं बहुत खाया भाई साहब, कल 10 रुपये में एक मैंगो, 20 रुपये में एक मैंगो, आपने लीलो प्याज से, हाँ लीलो प्याज, अलग अलग किस्म का है, ये कैप्सिकम है, आंसू जो है अपने, ये कौन सा फ्रूट है, पम्पकिन, पम्पकिन अपने वहाँ पम्पकिन तो होता है लेकिन अलग, वो भी अलग होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, राउंड आता है, पम्पकिन पम्पकिन है, यहाँ पर मामा, हाँ ऐसा होता है बराबर, ये वाला पम्पकिन बटाना, वीडियो नाटो वीडियो, ओके बट इन इंडिया दिस वन नॉट अवेलेबल, समझ गए ना, या जरूर जाना, हाउ मच दिस वन, किलो 50 पर किलो, ओके नाइस, 40 रुपये किलो के हिसाब से पम्पकिन मिलता है इनके पास में, थैंक यू वेरी मच, मशरूम भी इधर लोकल होता है, मशरूम खाते हैं क्या, सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं इसका, वाह भाई मशरूम, ये क्या है, बीज मूंग है, हाँ पाउड किया हुआ मूंग, मूंग है भाई, देखो इसको भिगो के इन्होंने पाउड कर दिया, बेबी कॉर्न, और ये बेबी बेबी कॉर्न, बेबी मक्की है, मक्की है, इतना छोटा 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 छोटा, सलाद में ज़्यादा कर खा देते हैं, और इधर भाई रेडियो सुन रहे हैं, देखो स्ट्रॉबेरी भी, अभी भी रेडियो का जमाना है इधर, तो आप समझ जाएगा इंडिया से कितना आगे पीछे, हिसाब लगा दीजिए, करला भी मिलता है इधर, सब इधर लोकल फ्रूट सब, इसको क्या बोलते, तुरिया बोलते हैं इंडिया में, हाँ तुरी 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 बराबर, ये देखो ये भी मिल जाती है, और ये देखो हरी मिर्चा भी अच्छी खासी मिल जाती है, बराबर, बहुत बड़ी बड़ी ढूंढी है भाई प्याज तो कुल मिला के चीज़ें तो यहाँ पे मिल रही है अच्छी खासी, लेकिन प्राइस यहाँ थोड़ा हाई है, देखो लहसुन भी आपको दिखाता हूँ, लहसुन देखो काफ़ी बड़ा बड़ा लहसुन है भाई, नाटो वीडियो लियो, सेम हो यू भैया, हेलो हाउ आर यू, केम छो, केम मजा में छे, तमे केम छो, सारी छे, सारो छे ने, प्रॉब्लम काई नाथी, प्रॉब्लम काई नाथी, जय स्वामीनारायण, जय स्वामी, तमारो नाम शू छे, बिजनेस सार छे, योर नेम किम, अनिल कपूर, यू स्पीक गुड गुजराती, यू फ्रॉम वेयर, इंडिया, गुजरात, बॉम्बे, नो अहमदाबाद, यू नो अहमदाबाद, आई नो, यस, फ्रॉम कलकत्ता, ओके थैंक यू, मजा आएगी तुम्हारे जोड़े बात करने, मलिए, ओके अनिल कपूर मलिए, ओ भाई बोल रहा मैं कलकत्ता से हूं भाई, ओ देखो प्याज, जे सब जैक फ्रूट, ओ हो आ शू ये बना, पानी जवानो नाले पास थी जाए, बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ओके अलग अलग बने लगे, बराबर फ्रूट्स नो तो वेजिटेबल्स नो है, अब तो वेजिटेबल्स नो मिक्स में से और बहुत बड़ी मार्केट है ये देखो,
तो नैरोबी की सबसे बड़ी मार्केट है या नैरोबी की ये सबसे अच्छी मार्केट? सबसे अच्छी मार्केट बड़ी नहीं, बड़ी दूसरी एक है, सिटी मार्केट बोलते हैं ना उधर टाउन में। बराबर। और ये देखो भाई, जो लारी ठेला रखने का है ना बीच बीच में थोड़ी जगह, तो एक्स्ट्रा माल हो गया, लारी ठेला सब इधर ही रख देते हैं। ये एक साइड बना, एक साइड है, ये बीच वाली जगह इसलिए यूज करते हैं। अवाकाडो जे आ अवाकाडो और मक्की भी है। मक्की हाँ, वाइट मेस वो इंडिया में नहीं खाई जाती है, इधर बहुत खाते हैं। स्वीट कॉर्न है, इंडिया में स्वीट कॉर्न मिलता है। बराबर। नो थैंक यू भाई, इंडिया में मैं तो खाता हूँ नीतीश भाई, ये मिलता नहीं है ना। मैं तो इधर भी खाता हूँ, कभी कभी खाना ना मिले तो मक्की खा के गुजारा करना पड़ता है। ये सब देखो भाई, बढ़िया सजी डजी मार्केट है। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी बूचर की दुकान है, तो उसको बूचरी बोलते हैं, मुझे समझ में आ गया कि है बूचर खाना। लेमन नींबू भी होते हैं? हाँ नींबू होते हैं। बराबर। नारियल जे मुंबासा से आते हैं। मुंबासा? हाँ हाँ, वो समुद्र के किनारे। और नारियल मुंबासा से आते हैं, वो ना कोकोनट नारियल। कोकोनट का ये इंडिया का फ्रूट है ना, सीताफल। सीताफल ये इधर से आता है या उधर से? नहीं इधर से, सारा मतलब इधर हो जाता है फ्रूट का। बराबर। ये वाली मूली है? ये वाली मूली है। ऐसे कैसे मूली यार, अपने अलग होती है, लाल कलर भी है, छोटी टमाटर जैसी दिखती है। ये मूली है। जस्ट लाइक हाउ इज मार्केट? ये वाला बीन्स है, आप कमेंट करके बता दीजिए। ये वाला बीन्स को सब्जी बना के चावल में खाते हैं। बीन्स किडनी बीन्स सब अलग अलग, और दाल वगैरह सब खाते हैं इधर, ऐसा नहीं है नहीं खाते। केन्या में मूंग वगैरह सब मिलता है। ये देखो ये वाला बीन्स, यही है ना? हाँ ये तो सिंह है, ये वाला जो तो मग बोलते हैं। ये तो मग दूसरे वाला है, अलग अलग का सब। ये मार्केट का टूर दिखा दिया नीतीश भाई, और अपने भाई साथ में थे इसलिए। और यहाँ पे व्यापार लेन देन पैसों का होता है, एम पैसा है, सब एम पैसा यूज करते हैं। सब एम पैसा यूज करते हैं। ओके ओके। बिना इंटरनेट भी ट्रांसफर हो जाता है? बिना इंटरनेट ट्रांसफर हो जाता है। ओके। ज़्यादातर लोग खरीदारी करने के लिए जैसे अपने गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे एम पैसा यूज करते हैं। सभी तो फ्रेश मिलता है। बराबर। फ्रेश। इस मार्केट को क्या बोलते हैं नाम, कौन सा एरिया? सिटी मार्केट। सिटी मार्केट, सिटी वेजिटेबल मार्केट कह सकते हैं। सिटी पार्क। और इधर पूरा सिटी पार्क है, पार्किंग का भी व्यवस्था कर रखा है। और ये अपने बजाज की बाइक है, लेकिन इसको ऐसा बना दिया जैसे कोई 500 सीसी वाली बाइक है। टीवीएस और बजाज की गाड़ी ज़्यादा चलती थी। ये दोनों अपनी कंपनी हो गई इंडिया की, टीवीएस ने बजाज इंडिया से आता है। बोलो भाई, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीतीश भाई को आप जरूर मिलिए जब भी इधर आते हैं, तो वो इधर ही मिल जाएंगे आपको। नैरोबी सिटी में बिजनेस करते हैं, और अभी हम चलते हैं वापस और इस वीडियो को एंड करते हैं। ये भाई पता नहीं क्यों हमारे सामने देख रहा है, गुजराती हिंदी समझ में आ गई तो लोचा हो जाएगा। बाय बाय।